अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एटीवी। आज की वीडियो आप सबको हैरान कर देगी। आज हम एक ऐसे सेलफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसकी रिक्वेस्ट आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही थी। इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ साथ इसकी कंपनी की भी हम बात करेंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि आईटेल के फ़ोन लाएँ और कोई सस्ती ऑप्शन लेकर आएँ। आईटेल एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट्स को मूव कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये जिस प्राइस सेगमेंट में खेल रहे हैं उस प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में अभी भी स्मार्टफोन्स खरीदते हैं और इस मार्केट के अंदर काइंड ऑफ ज़्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट अगर आप इस मार्केट की बात करते हैं तो बहुत थोड़ी कंपनीज हैं जो इस मार्केट में ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं जिनके अंदर फीचर सेट ज़रा ज़्यादा हों। व्यूअर्स, क्योंकि अगर आप टॉप एंड ब्रांड्स की बात करते हैं तो जो कि महंगे फ़ोन भी बना रहे हैं, जनरली जब वो इस प्राइस कैटेगरी में कोई फ़ोन लॉन्च करते हैं तो वो फ़ोन्स ऑल्दो अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे होते हैं लेकिन इनके अंदर जो फीचर सेट होता है वो बहुत कम होता है। लाइक आपको कुछ चीज़ें सॉलिड मिल जाती हैं लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करते हैं, आप ओवरऑल स्पेक शीट की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर लोग जो हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फीचर्स वो जो हैं रिक्वायर कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, आज जो फ़ोन हम अनबॉक्स कर रहे हैं वो है आईटेल का विजन 1 प्रो। व्यूअर्स, बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो ये बुकलेट है जिसके अंदर आपको मिल रहे हैं आपके पेपर गाइड, आपका वारंटी कार्ड जो कि 12 महीने की वारंटी के साथ आता है, और इसके अलावा आपको मिलता है एक अदद हार्ड शेल केस जिसकी क्वालिटी इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से काफी डिसेंट लग रही है। व्यूअर्स, इस हैरानकुन फोन को देखने से पहले आप एक बात जरूर नोट कर लें, एटीवी का यूट्यूब का पेज जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यूट्यूब के पेज पर हम बहुत सी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जो आपको हैरान कर रहे हैं। व्यूअर्स, एटीवी का फेसबुक पेज और एटीवी का इंस्टाग्राम पेज को जरूर लाइक करें और जीतिए बहुत से फ्री इनामात। व्यूअर्स, फर्दर इन द बॉक्स आपको ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। ये आईटेल ब्रांडेड ईयर प्लग्स हैं और चूंकि आईटेल एसेसरीज भी बनाती है तो आई एम अज्यूमिंग इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा आपको एक अदद माइक्रो यूएसबी की केबल मिलती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके डिसअपीयर हो रही है लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में आपको अभी भी माइक्रो यूएसबी से ही गुजारा करना पड़ेगा। जी, फर्दर इन द बॉक्स एक अदद पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि आई एम अज्यूमिंग ये किसी भी किस्म की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। ये 5A वोल्ट एम्पेयर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट पावर ब्रिक, यानी कि ये चार्ज करने में इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी टाइम लगने वाला है लेकिन देन अगेन जिस प्राइस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं वो 13,500 रुपये है, इस हिसाब से यू कैन नॉट रियली कंप्लेन। व्यूअर्स, इस फोन में 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में बहुत बड़ा फैक्टर मेंटेन करने वाली चीज़ है क्योंकि इस प्राइस में रेंज में जनरली जो डिस्प्ले आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है यानी कि आपको इसमें ज़्यादा स्टोरेज भी दी जा रही है। 2GB रैम भी यहाँ पर लगाई गई है और इसके अलावा ये 4G फ़ोन है यानी कि आपको इस फ़ोन में 4G की सपोर्ट भी मिल जाएगी। बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। अगर बैक साइड की लुक की बात करते हैं तो इसकी लुक एक अपर प्राइस कैटेगरी के फ़ोन की है क्योंकि बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है जिसमें दो आपके कैमराज हैं और एक डेप्थ सेंसर है और यहाँ एक माइक्रो कैमरा लगाया गया है और एक आपका जो नॉर्मल वाइड स्क्रीन होता है वो मौजूद है। फ्रंट साइड पर 8 MP का कैमरा दिया गया है। व्यूअर्स, इस फोन की कमाल की बात यह है कि इस फोन पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया गया है यानी कि इस फोन पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाने की भी जरूरत नहीं है। यकीन करें जितना मर्जी आपको अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, जितना मर्जी अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिल जाए लेकिन अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ हो तो इसको प्रोटेक्ट करना रियली आसान होता है, अदरवाइज स्क्रैचेस पड़ ही जाते हैं। व्यूअर्स,
इस फोन में यकीन करें आईटेल ने कमाल के फिल्टर्स और बहुत सी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। चलिए अब इस फोन को हम स्विच ऑन कर लेते हैं और इसका क्विकली सेटअप कर लेते हैं। ये काफी फास्टली सेटअप करता है। जब तक ये स्टार्ट होता है हम आपको एक हैरानकुन बात बताएंगे। ये फीचर वाली साइट से ये एक हैरान कर देने वाली डिवाइस है। इस फोन के अंदर एआई की फैसिलिटी मौजूद है। ये डिटेक्ट भी कर सकता है तस्वीर लेते वक्त, यानी कि जिस बंदे की ये तस्वीर खींच रहा है वो आया के मेल है या फीमेल या कोई ऑब्जेक्ट। ये एक मज़ेदार चीज़ है क्योंकि यूजली जो ब्यूटी फिल्टर्स होते हैं वो आपको डिटेक्ट करने के बाद आपके एज और जेंडर के हिसाब से काम करते हैं। बैक और फ्रंट दोनों कैमराज में ये एआई की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन आप एआई ब्यूटी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये फोन काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है और उसमें भी इसका गो एडिशन है, तो ये फोन दूसरे फोन से कंपैरेटिवली लाइट वेट सॉफ्टवेयर के साथ आता है। 4000 mAh जेड की बैटरी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अवेलेबल है। ये एक ऐसा फीचर है जो कि तकरीबन 20,000 रुपये वाले प्राइस कैटेगरी वाले फोन में आता है। कमाल की बात है, इस फोन के अंदर फेस लॉक की फैसिलिटी भी दी गई है। व्यूअर्स, इसके अलावा इस फोन में क्वाड कोर प्रोसेसर भी लगाया गया है। इस मोबाइल फोन की लुक और फील एक बहुत ही अच्छे महंगे फोन वाली है। यकीन करें अच्छी फोटोज क्लैरिटी के साथ लेने के लिए ये फोन हाईली रिकमेंडेड है। इस फोन में पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है। इसके अलावा लो लाइट में खास डेडिकेटेड मोड दिया गया है, यानी कि काइंड ऑफ नाइट मोड भी दिया गया है। व्यूअर्स, इस फोन में फ्लैश की ऑप्शन भी दी गई है। व्यूअर्स, इस फोन में OTG की फैसिलिटी भी दी गई है, यानी कि आप उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। व्यूअर्स, इस फोन की बैक साइड पर एक स्पीकर दिया गया है, यानी कि लाउड स्पीकर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। व्यूअर्स, सबसे कमाल की बात, इसमें क्वाड कोर चिपसेट भी दिया गया है। व्यूअर्स, इस फोन के अंदर फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जबकि बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल पे मुश्तमिल है। व्यूअर्स, ये फोन काफी थिन और काफी लाइट वेट है। आप यकीन करें इस फोन की हैंड फील काफी कमाल की है। व्यूअर्स, ये फोन ड्यूल सिम ऑप्शन के साथ आता है, यानी कि 2 सिम्स इसमें आप डाल सकते हैं। बैटरी इसकी रिमूवेबल नहीं है, लेकिन जो सिम्स हैं वो डालने की आपको केस को उतारना पड़ेगा। इसमें आप 2 फोन और 1 मेमोरी कार्ड की स्लॉट देख सकते हैं। यकीन करें बड़ी प्राउड मोमेंट है, ये पाकिस्तान में असेंबल किया गया है। के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सायनारा।